हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस जो आज वीडियो लेकर आई हूँ टाटा स्टील लिमिटेड पे है। जैसे कि मैं बता दूँ, अभी तो देखिए इसका प्राइस 107 में चल रहा है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। प्रीवियस क्लोज था वो 107.75 पैसे, वही 107.90 पैसे चल रहा है। हाई देखिए 147 तक पहुँच गया। टाटा स्टील आप जानते हो टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। गाइस देखिए, टाटा स्टील के बारे में कुछ न्यू न्यूज़ सुनने को मिल रही है और आपको कम से कम 14 सितंबर का वेट करना, मतलब कल का दिन का वेट करना है। गाइस आपको इस स्टॉक पे और इसकी खबरों पे नज़र बनाकर रखनी है। जैसा कि मैं बता दूँ न्यूज़ क्या आ रही है। न्यूज़ देखो ये आ रही है कि टाटा स्टील बोर्ड टू मल एनसीडीज इशू ऑन 14 सितंबर। गाइस देखिए, द बोर्ड ऑफ द स्टील मेजर इज शेड्यूल टू मीट ऑन 14 सितंबर 2022 टू कंसिडर द इशुएंस ऑफ अनसिक्योर नॉन कन्वर्टेबली डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। देखिए गाइस, पहले भी टाटा स्टील के जो डेप्थ है उसको चुकाने के लिए बात हुई थी, जो कि पहले हुई थी 13 सितंबर को, 13 अगस्त को, फिर हुई 24 अप्रैल को, ठीक है। एक हुई थी 2018 में और एक हुई 2020 में, और अब फिर से कल होने वाली है। जिसके अंदर देखिए, जो कंपनियां कुछ कुछ जैप नहीं चुका पाती हैं तो जिसके ऊपर बात चर्चा चलती है। गाइस काफ़ी ज़्यादा तो डेप इसने चुका दिया है अपना, कुछ इसका बाकी है जो कि वो ऑलमोस्ट तो ख़त्म कर चुकी है और भी ख़त्म वो कर देगी। जैसे कि आप देख रहे हो, मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ डायरेक्टर टाटा स्टील लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, ठीक है, कल होगी। आपको थोड़ी नज़र बनाए रखनी है। इंटर अलाइड टू कंसिडर एंड अप्रूव द इश्यूएंस ऑफ अनसिक्योर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस विद इन द लिमिट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट देयर मीटिंग्स हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2018। से मैंने बताया कि पहले भी इस पर बात हुई थी डेप्थ के बारे में 13 अगस्त को, फिर 24 अप्रैल को 2020 में। टाटा स्टील सैड इन स्टेटमेंट, टाटा स्टील ग्रुप इज अमंग द टॉप ग्लोबल स्टील कंपनीज विद एन एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ 34 मिलियन टन्स बार पर एनम, ठीक है। गाइज वहीं एक और न्यूज़ निकल कर आती है कि टाटा स्टील ग्रीन स्टील हाइड्रोजन की तरफ जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, हैच नेम टू टीम डिलीवरिंग टाटा स्टील ग्रीन स्टील हाइड्रोजन रूट इन द नीदरलैंड। गाइज जैसे कि प्रोजेक्ट विल एम्प्लॉय हैच क्रिप्स फर्नेस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील, पार्ट ऑफ टाटा स्टील स्ट्रेटेजी टू प्रोड्यूस स्टील विद जीरो कार्बन एमिशन बाय 2045। टाटा स्टील हैज अनाउंस द, जैसे कि अपनी ये वाला लाइन पर हमने पढ़ा था। गाइज देखिए क्या, और जैसे कि अब टाटा स्टील जो है अपने भट्टियों का यूज़ करता था, कोयले से वो भट्टियाँ चलती थी, ठीक है। अब लेकिन वो क्या करेगा गाइज, वो हाइड्रोजन से स्टील का जो स्टील बनाने का जो भी काम है वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करेगा। इसलिए गाइज अभी तो टाटा स्टील है वो ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जा रहा है। पहले कोल यूज़ होता था जो कि अब वो बंद हो जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जाएगा। तो इससे ये होगा कि इसके स्टॉक प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। अभी 107 पे ये हमें आने वाले टाइम में 120 तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा। गाइज देखिए, दो ऑलमोस्ट 120 से 150 तक का इसका टारगेट है जो कि इसको ये कंप्लीट कर देगा इस साल तक। तो गाइज इस पर आपको नज़र बनाए रखनी है। टाटा स्टील के बारे में पहले भी कहा था, पहले भी मैं इस पर वीडियो लेकर आई थी कि इसके प्रोजेक्ट काफ़ी सारे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और जैसे 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 और काफ़ी कंपनियों से टाई अप करता जा रहा है और जॉइंट वेंचर करता जा रहा है, जिसकी वजह से टाटा स्टील और एक्सपेंड होता जा रहा है। टाटा स्टील आपको पता है जो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी के अंदर गाइस स्टील से रिलेटेड बहुत सारे वर्क जो हमारे पूरे इंडिया में ही होते हैं, अदर कंट्रीज में भी होते हैं। तो गाइस बस इतना ही बोलूँगी, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इस पर नज़र बनाए रखें। कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं है, अपनी स्टडी के पर्पज से ये वीडियो है, आप खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, 14 सितंबर को न्यूज़ आएगी कल, आपको इस पे नज़र बनाए रखनी है। इस न्यूज़ का आपको इस पे थोड़ा सा स्टडी करना है, चेक करना, और कल की न्यूज़ का वेट करना है। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।